गुलिस्तान में इस वक्त टेम्परेचर तकरीबन 50 से प्लस है, 55 के राउंड अबाउट है। और ये गुलिस्तानी जानवर दिन को आराम करने के लिए और पानी पीने के लिए जो वाटर पॉइंट है यहाँ पर रहे हुए हैं और आराम भी करें और पानी भी पिएंगे यहाँ से। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर क्या कुछ है। ये है बहाला टोबा और यहाँ पर ये प्यारे सी मस्जिद बनी हुई है, बहुत खूबसूरत सी माशाल्लाह इन्होंने ये मस्जिद बनाई है। और ये देखें, सबसे प्यारी बात जो है, अच्छी बात, इन्होंने यहाँ पर फ़ैन भी लगाया है, मतलब बैटरी पे चलने वाला, वो देखें सामने बैटरी इन्होंने लगाई हुई है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और प्यारा माहौल है, मज़ा आ गया यहाँ पर। मज़ा आएगा यहाँ पर, हमने रेस्ट किया तकरीबन 2 घंटे क्योंकि मौसम बहुत गर्म था। तो अभी हमारा इरादा है कि और 2 घंटे के बाद थोड़ा सा जब मौसम ठंडा हो जाएगा फिर हम इंशाल्लाह निकलेंगे आगे खानगढ़ की तरफ इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पानी का टैंक बना हुआ है और ये टब बने हुए हैं पानी पीने के लिए, जहाँ पर इस वक्त जानवर बैठे हुए हैं और इसमें पानी उन्होंने छोड़ा हुआ है, यहाँ से ये पानी पियेंगे। मौसम बहुत गर्म है, गर्म हवा चल रही है और जानवर देखें कि छांव ढूंढ के यहाँ पर आए हैं, यहीं पर ये दोपहर गुजारेंगे और फिर शाम को पानी पीने के बाद ये यहाँ से आगे चले जाएंगे चुलिस्तान में चारे वगैरह के लिए। ये सूरत हाल होती है जी यहाँ पर दोपहर को। और देखें, ये तो जानवर की सूरत हाल है, बाकी इंसान जो है वो जो इनके गोपे हैं वहाँ पर वो मौजूद हैं और दिन को जो आराम कर रहे हैं। सारे जानवर जो है ना ये इस पानी पे जमा हुए हैं क्योंकि ये है जी वाटर लाइन चुलिस्तान डेवलपमेंट वालों की तरफ से, जो कि यहाँ पर चुलिस्तान में पानी प्रोवाइड करते हैं यहाँ के मवेशियों को, इंसानों को। और ये उनका एक पॉइंट बना हुआ है कि ये देखें ऊपर शेड है लोहे की, इस पर छत डली हुई है और ये सारा स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया सिर्फ, जिसमें देखें कि अभी भी जानवर इसमें छांव में रुके हुए हैं, वहाँ पर भी छांव में बैठे हुए हैं और वहाँ पर भी छांव में, मतलब ये माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है चुलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों ने कि इन्होंने यहाँ पर जानवरों के लिए ये सारा स्ट्रक्चर बनाया है। माशाल्लाह, वेरी गुड। वहाँ पर रेस्ट करने के बाद हम निकल आए थे तकरीबन असर के टाइम के बाद, हम आ गए थे किला खानगढ़। और यहाँ पर आके हमेशा ही मायूसी होती है कि जो सूरत हाल है हमारे इन असासजात की, जो तारीखी असासे हैं बिल्कुल तबाह हो चुके हैं और मतलब बहुत अफसोस की बात है। हालांकि ये इतना कीमती असासे हैं कि इस तरह का कोई और मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान में। तो मैं दिखाऊँ आपको कि क्या सूरत हाल है, ये खंडरात में तब्दील हो चुका है, आप देख रहे हैं हर तरफ जो इसकी इमारत थी ज़मीन बोस हो चुकी है। ये बहुत तारीखी इमारत हैं, अगर हम इनकी केयर करते तो हम इससे टूरिज़्म को बहुत फ़रोग दे सकते थे चुलिस्तान में, लेकिन अब जो है ऐसी कंडीशन नहीं है। ये देखें हर तरफ पैरानी और मायूसी। कितने अफसोस की बात है,